हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर हैकर। आज की जो वीडियो रहने वाली है बीएससी पार्ट सेकंड वालों के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर रहने वाला है। लगातार हमने आप लोगों के लिए सीरीज़ वीडियोज़ लगातार थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के आप लोगों को रोज़ाना लेक्चर के बाद में इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। रोज़ाना के लेक्चर से रिलेटेड वीडियो हमारे जो नोट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में सेव हैं, उन्हें आप जा कर के लिंक को फॉलो करके आप वहां से इन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला इम्पोर्टेंट है, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनके चुंबकीय तथा स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या, ठीक है। एक्टिनॉइड्स के स्पेक्ट्रमी तथा चुंबकीय गुणों की एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। स्पेक्ट्रमी, एक्टिनाइडों के चुंबकीय तथा स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या, ठीक है। देखते हैं एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण, एक्टिनाइड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखेंगे एक्टिनाइडों के चुंबकीय लैंथेनाइडों के गुणों से समानता रखते हैं, ठीक है। जो एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण होते हैं वो लैंथेनाइडों के गुणों से समानता रखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मान रसल संडर युग्मन एफ स्कीम द्वारा प्रकलित चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में कम होता है। दोबारा से फिर एक बार थ्योरम को रिपीट कर लीजिएगा कि एक्टिनाइडों के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो लैंथेनाइडों के चुंबकीय गुणों से समानता रखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का जो वैल्यू होता है वो रसल संडर युग्मन एफ स्कीम द्वारा प्रकलित चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में कैसा होता है, इंक्रीज होता है, कम होता है। 5F, जो 5F ऑफकोर्स होता है आपका सहसंयोजक बंद में कुछ हद तक साझा करते हैं। आणविक चुंबकीय प्रकाश जो प्रभावशीलता होती है वो मॉलर सस्पेंसिबिलिटी के कारण XM के परिकलन के लिए निम्न समीकरण दिया गया है, ठीक है। इससे हम जो हमारी आणविक चुंबकीयता का जो प्रभावशीलता है उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जो है आपका XM = NgIn βJZ+1/3k2 ⋅ n=2। तो n = आपका दिया हुआ है, ये अवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। n = अवोगाड्रो संख्या है, ठीक है, इसको हम अवोगाड्रो संख्या से, n है आपका अवोगाड्रो नंबर यानी अवोगाड्रो संख्या है। और स्पेक्ट्रम गुण क्या क्या हैं, देखिए जो इसके स्पेक्ट्रमी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी समझ लेते हैं। देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एक्टिनाइड, जो एक्टिनाइड हैं आयंस के जलीय विलयन तथा क्रिस्टल में अवशोषण, स्पेक्ट्रा लैंथेनाइड्स आयनों के समान स्पेक्ट्रम में सक्रिय पट्टियां होती हैं। यह बॉन्ड 5F इलेक्ट्रॉन्स सब सेल में ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण होता है। एक्टिनाइड श्रेणी में पाई जाने वाली अवशोषण बैंड की तुलना में लगभग 10 गुनी ये डेंस होती है यानी घनी होती है। तो इस प्रकार की जो ये स्ट्रक्चर है, आप इस प्रकार की जो थ्योरम है, ये आपकी जो भी संक्रमण होते हैं एक्टिनाइड श्रेणी में पाई जाने वाली जितनी भी अवशोषण बैंड होंगी, एब्जॉर्प्शन बैंड जो होंगी वो एक्टिनाइड श्रेणी से लगभग 10 गुना ज़्यादा घनी होंगी, 10 गुनी ज़्यादा लगभग इनमें डेंस पाई जाती है। डेंस के रिलेटेड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो 10 अमाउंट आपकी घनी होगी, डेंस होगी लैंथेनाइड श्रेणी में ये पाई जाती हैं। तो लगातार हमारे चैनल पेपर हैकर को देखते रहिए, हम किसी नई वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होते हैं।